बातें क्लास चल रहा था 17/9/1968 मंगलवार को 9 PM के मध्यान्ह में बात चल रही थी याद की और पढ़ाई की। पढ़ाई तो बाप बहुत अच्छी समझाते हैं, बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा जिससे पवित्र बनना है। ये बड़ा टाइम लग जाता है। पिछाड़ी तक कर्मातीत अवस्था की बात आती है, फिर ये नंबरवार इतने इतने कितने देखो करोड़ों हो जाएंगे, करोड़ों बनेगी प्रजा। सतयुग और त्रेता के अंत तक कितनी प्रजा होती है वो भी आगे चल करके तुमको ये भी शायद मालूम पड़ जाएगा कि हम सतयुग में इतनी संख्या होती है, फिर त्रेता में इतनी संख्या होती है। टोटल मिला के जिनको ही फिर कहते हैं देवता, इसी त्रेता के बाद हम देवताएं थोड़े ही बनते हैं, क्योंकि वहां तो आबादी बहुत तीव्र गति से बढ़ती, विकार ही विभिचारी बन पड़ते हैं। सतयुग में तो विभिचारी नहीं होते थे, राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती थी, तो सभी देवी देवताओं का ऐसा ही होता है। त्रेता में भी बल देह अभिमान थोड़ा नीचे आता है, सतयुग में मुख का ही प्यार होता है, और त्रेता में तो क्षत्रिय धर्म है, शास्त्रों में भुजाओं में क्षत्रिय बताए हैं, क्यों बताए हैं? क्योंकि क्षत्रियों की सहयोगी भुजाएं होती है ना, और उनसे राज्य करते हैं तो संख्या बढ़ जाती है। त्रेता में और सतयुग में कितनी संख्या बढ़ती है? सतयुग में 2 करोड़, सतयुग के अंत तक, सतयुग के आदि में तो 9 लाख, वो भी नहीं कहेंगे, आदि में एकदम कहेंगे 4.5 लाख, और त्रेता के अंत तक जाकर के 8-10 करोड़ संख्या होती है, उनको फिर देवता कहा जाता है। पीछे हम देवताएं नहीं रहते द्वापर में, तो फिर द्वापर के आदमी क्या होता है कि भाई मनुष्यों का और देवी देवताओं का पीछे मिला करके सारा ये देवी देवताओं का कुल सारा कितना लंबा हो जाएगा कोई जानता थोड़ी है, कि वहां कोई बादशाही हमारी वाली है। सतयुग त्रेता की बादशाही तो नहीं गई, राम कृष्ण की दुनिया तो नहीं कही जाएगी, हम शरीर छोड़ेंगे और जहां जीत होगी वहां जाकर के जन्म लेते रहेंगे। हाँ, देते जाओ उठाते जाओ, तो हाँ उठो, तुम ही उठो, वहां भी देखो गौमुख है,
बैठो तो जिसमें माला डालते हैं ना उनका भी नाम रखा हुआ है। गौमुख मालूम है, ये जो ऐसा होकर के ऐसा होता है ना, माला डाल करके फिर हो जाते हैं। माला माने संगठन, श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन होता है, उनको फिर कहते हैं स्वीटेस्ट। तो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार हुए ना, सत्रह नौ 1968 की प्रातः क्लास का 10वां पेज दूसरी लाइन। तो जो स्वीटेस्ट नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार मालाएं बनती हैं उनको कहा जाता है स्वीटेस्ट। और ये अभी भी होना ही है जरूर, कल पहले भी हुआ था। रूहानी बाप कहते हैं कि रूहानी बच्चों के प्रति दिलो व जान सिख व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। हाँ, लकी सितारों के ऊपर बाप की नमस्ते। लकी कहा जाता है ना, माँ बाप को नहीं कहते हैं लकी, सितारों को कहते हैं लकी। तो ये भी तो परंपरा से कोई ने तो शुरुआत की है ना, कहा है ना, तो बाप ने आकर के कहा है तुम लकी सितारे हो, लकी बच्चे हो। लकी माना भाग्यशाली। तो कहेंगे कि तुम दोनों विश्व के मालिक बनते हो, और सिर्फ विश्व के ही मालिक नहीं बनते हो, जो अंडे अंडे मिसल आत्माएं रहती है ना जहां, उस ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूं, विश्व का मालिक तो बनता नहीं। तो तुम बच्चे हो लकी सितारे, और अगर मैं विश्व का मालिक बनू विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, नहीं तो फिर विश्व की बात चाहिए तो फिर गुमानी भी पड़ती है ना, और मैं तो न गुमाता हूं न हराता हूं न जीतता, मैं तो ठहरा। देखो मेरा पार्ट ड्रामा में कैसा अच्छा रखा हुआ, एक जरूर रहता है और वो रहना जरूरी है जो फिर पतित दुनिया को पावन बना दे, दुखी दुनिया को सुखी बना दे। तो वो भी आत्मा तो है ना, परमपिता परमात्मा तो कहते हैं ना, तो उनको कहा जाता है दुखहर्ता सुखकर्ता एक ही है। उसको दुखकर्ता नहीं कहा जाता, क्योंकि दुखकर्ता तो रावण है, वो सिर्फ दुखहर्ता और सुखकर्ता है, और वो भी जरूर होना चाहिए एक,
जो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, जन्म मरण के चक्र में आवे तो सारा ज्ञान भूल जावे। तुम बच्चे जन्म मरण के चक्र में आते हो ना तो सारा ज्ञान भूल जाते हो। पूर्व जन्म का कोई ज्ञान रहता है नहीं? तो अभी एक को कहा जाता है जानदा है, तो एक तो निराकार को ही कहा जाएगा, देहधारियों को तो नहीं कहा जाएगा जानदा। तो देखो भूल भी कितनी है, तब ही बाप को लिखना पड़ता है, सबको लिखते हैं, कोशिश कर करके ये जरूर दिखलाओ कि गीता का भगवान 16 कला संपूर्ण कृष्ण नहीं है, वो तो सतयुग में हुआ। सतयुग होता ही है 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण, फिर तो कलाएं घटती जाती हैं। न कृष्ण ने गीता सुनाई है और उन्होंने तो कृष्ण को द्वापर के अंत में डाल दिया। भगवान ने बैठ करके ये पाठशाला बनाई और देखो उतरती कला वाले को उसका नाम डाल दिया भगवान। तो जो भगवान ने गीता पाठशाला बनाई उसमें कलाबद्ध कृष्ण का नाम क्यों डालना चाहिए? भगवान तो कलातीत है ना, तो ज्ञान सूर्य है ना, तो ये बंदर है ना कि भगवान ने पाठशाला बनाई और वो कृष्ण तो मनुष्य हो जाता है। कहेंगे सुधरा हुआ मनुष्य है, कलाहीन से 16 कला संपूर्ण बना, देवता है। और तो कोई हो भी नहीं सकते है। ये भी है कि कृष्ण गीता सुनाई नहीं सकते, किसको हम कहें कि इस कृष्ण में ज्ञान नहीं है? जो 16 कला संपूर्ण है, कलाओं में बांधा हुआ है, भगवान तो कलातीत होता है ना, गाते भी है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। अब ऐसे उन्हें सुनाओ तो बिगड़ पड़ेंगे, जवाब कुछ आएगा नहीं तो क्रोध में आ जाएंगे। अरे ज्ञान का अर्थ भी नहीं समझते हैं। ज्ञान माना ही जानकारी, जानकारी है तो ज्ञानी है जानकार। और ये भी बात तुम बच्चे समझते हो बरोबर, जो ब्राह्मण बने हो। और ब्राह्मण भी कैसे, मुखवंशावली ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों को मुखवंशावली थोड़े ही कहेंगे है, जो मुख से सुने हुए ज्ञान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं है, गोद में विश्वास करते हैं, तो वो है मुखवंशावली। कुख गोद को कहा जाता है, तो फिर उनमें शूद्र भी बन पड़ता। शूद्र माने क्षुद्र नीचे, तो ये वर्ण तो होते हैं ना। और ये ड्रामा प्लान अनुसार वर्ण भी इसीलिए तो रखे हुए हैं ना कि न तो ये शूद्रों को ज्ञान मिलता है न वैश्यों को मिलता है, है? न क्षत्रियों को न देवताओं को,
ज्ञान तो जो रचयिता और रचना का ज्ञान है और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना। न देवताओं को मिलता है रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। अरे जब देवताओं को है ही नहीं ज्ञान तो परंपरा से कैसे चला आएगा है? और देखो गीता में भी लिखा हुआ है कि मेरे को ना देवताएं जानते हैं न ऋषि मुनि जानते हैं, तो ये दाढ़ी मूंछ वाले मनुष्य कहां से जानेंगे, भिखारी मनुष्य। तो बताते हैं कि जब विनाश हो गया तो फिर बाद में ये परंपरा कैसे शुरू होगी, फिर विनाश होने के बाद तो फिर देवताओं में ज्ञान रहता ही नहीं। ये विनाश महाविनाश जिसे कहा जाता है ये तो ऐसा बड़े तो बड़ा दुनिया का एक्सीडेंट है जो सब भूल जाता है। किसी का बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है ना तो पहले की सारी स्मृति इस जन्म की भी भूल जाती है। वो तो छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ, एक जन्म की बात नहीं, ये तो जन्म जन्मांतर की बात, खेल खलास कहा जाता है। कल्पांत चारों युगों का, 84 जन्मों का। तो देखो विनाश होता है सारी दुनिया का तो ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता। प्राय लोप का मतलब ये है बाकी ये चित्र बचते हैं। प्राय माना ही बाकी ये देखो चित्र रहे हैं ना। द्वापर के आदि में भी कोई शास्त्र थोड़े ही बने थे, चित्र ही बनते थे। तो वो जो चित्र दिखाते हैं वो कहां है, वो स्वर्ग की सजावट जिसको पैराडाइज भी कहते हैं क्रिश्चियन लोग, मुसलमान लोग जन्नत भी कहते हैं, कितना याद करते हैं। तो फिर स्वर्ग तो होता ही है ना। तो जैसे कि कल्प कल्प स्वर्ग बनते जाते हैं ऐसे तुम्हारा तो स्वर्ग वो बन ही जाएगा। इस बात में मुझने की दरकार नहीं है, घड़ी घड़ी संशय में आने की दरकार नहीं है कि दुनिया खलास हो जाए। अरे जैसे बनता है कल्प कल्प तैसे बनती जाएंगे और बनाएंगे। बाकी कौन बनाएंगे? अरे बनाने वाले बनाएंगे है, प्लानिंग करने वाले प्लानिंग करेंगे, प्रैक्टिकल करने वाले प्रैक्टिकल करेंगे। ओ